कोई बात नहीं। देखिए बच्चा, मैं फिर से आप सभी को बता दूं, सिपाही भर्ती की बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज आई है कि सिपाही भर्ती की रद्द हुई परीक्षा को दोबारा कराए जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एजेंसी के चयन की प्रक्रिया, एजेंसी का चयन भी हो चुका है, परीक्षा केंद्रों को सूचीबद्ध भी कर लिया गया है। मुख्यमंत्री जी खुद जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कर सकते हैं। तो मतलब आप सभी लोग फिर से सुन लीजिए मेरी बात, अगर अब आवाज आ गई है तो, कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती का जो री एग्जाम है, इसकी लिखित परीक्षा की जो पुनः परीक्षा है री एग्जाम, उसकी तिथि योगी जी खुद ही कभी भी घोषित कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड की तरफ से एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और परीक्षा केंद्रों को सूचीबद्ध भी कर लिया गया है। परीक्षा केंद्र भी, एजेंसी भी हो चुकी है, अब केवल तारीख का ऐलान करना रह गया है। आजकल कमान मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में थाम ली है, तो मेरे विचार में इसमें जो कह रखा है ये लखनऊ से छपा है, आज ही की न्यूज है, अखबार में अपने घर से नहीं छाप सकता। सिपाही भर्ती की परीक्षा जल्द, सिपाही भर्ती के रद्द हुई परीक्षा को दोबारा कराए जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है, पहली बात। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में प्रोन्नति बोर्ड ने एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद परीक्षा केंद्र को सूचीबद्ध कर लिया है। दूसरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द परीक्षा की तिथि घोषित कर सकते हैं, यह हो गया पॉइंट नंबर तीसरा। तो आप सभी लोग 21 तारीख का जो हम लोग ये ट्विटर कैंपेन सुन रहे हैं, कर रहे हैं, इससे इसको भी करेंगे, तब तक हो सकता है मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दे, नहीं करता तो बहुत नुकसान होगा सरकार का, क्योंकि ट्विटर कैंपेन बहुत ज्यादा नुकसान कर देती है सरकार के प्रति। बच्चे सरकार को चार बातें सुनाते हैं, सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहां पर आप सभी लोग ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा, यहां पर तैयारियां पूरी कर ली है, एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और परीक्षा केंद्रों को भी सूचीबद्ध कर लिया गया है। ठीक है, ये लखनऊ से खबर छपी है। अब कई को लग रहा फेक, तो जाओ भाड़ में, क्योंकि ये मैंने अपना घर से नहीं किया, समझे। ये जैसे न्यूज आई पहले मैंने उसको चेक कर लिया, फिर मैं आके तुम्हें बताया। इसी तरह दोपहर में होमगार्ड वाली बताई थी, तो कुछ क्या है उनका है कि 5 महीने हो गए, अभी उन्हें और समय चाहिए, उन्हें 15-16 साल चाहिए तैयारी के। जब तक जो तुम लोग जो तैयारी कर रहे हो, तुम सेलेक्ट होके हेड कांस्टेबल एएसआई बन चुके होगे, वो तब तक तैयारी करेंगे। ये दुनिया है, मतलब यहां 100 में 10 अच्छे आदमी मिलेंगे, 90 कूड़ा करकट मिलेगा। तो तुम्हें किसमें रहना है, 10 अच्छे में या 90 टंपू कूड़ा करकट में, ये लिख के बता दो मुझे। इसलिए आप, ये अखबार है आज का, सिपाही भर्ती से परीक्षा से संबंधित। जब इनके पास कोई न्यूज होती है न्यूज चैनल के पास, तब छाप देते हैं, कभी कभी बिना न्यूज के भी छाप देते हैं, बट ऐसा बड़ा कोई रिस्क लेता नहीं है कोई व्यक्ति। तो मेरे विचार में इसमें तिथि नहीं दी गई है, लेकिन यह कहा गया कि योगी जी जल्द परीक्षा तिथि की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार भी इस बात को जानती है। 6 महीने मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने मुख से बोला था और वो अपनी बात मुझे नहीं लगता कि खराब जाने देंगे। ठीक है, चलिए फेयर लवली क्या लगाऊं, ये थोड़ा सा आज इसकी मुझे लग रहा है कहते मुझे निपटा दिया, लाइट नहीं चल रही, कुछ लाइट में गड़बड़ आ गई है, बिना लाइट के मैं ऐसा लगता हूं क्या? पर कोई बात नहीं, काले गोरे दो ही रंग होते हैं, काले तुम्हारे कृष्ण जी भी थे, उसमें क्या है, इसमें इतना